फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है चहल द एक्सप्लोरर में। हम लेह लद्दाख की ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्कॉर्पियो से लेह लद्दाख जाएंगे। उसके लिए ना कुछ मैं कैंपिंग का भी प्लान कर रहा हूँ, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तैयारी करके जरूर जाएंगे। तो इसलिए मैं आज आया हूँ जीरकपुर में, और यहाँ पर एक स्पेशल शॉप है कैंपिंग की, तो देखते हैं वहाँ पर क्या क्या मिलता है, किस टाइप से होता है, वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। फिर हम कैंपिंग का सामान लेंगे और लद्दाख का ट्रिप शुरू करेंगे कुछ ही दिन में। आपको पहले मिल गई थोड़े से दो चार दिन पहले मिली होगी, उसके बाद अपनी ट्रिप जारी होने वाली है, तो बने रहे आप। और आज आपको दिखाता हूँ कि जीरकपुर में भी एक कैंपिंग की शॉप है, तो अगर कोई आसपास दोस्त है चंडीगढ़ के आसपास का, कोई भी दोस्त अगर कैंपिंग का कुछ सामान लेना चाहता है तो इस शॉप से ले सकता है। वैसे मैं बताऊंगा एक बार, उसके बाद लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको यहाँ से लेना चाहिए कि नहीं, ठीक है। रिव्यू बताऊंगा कैसा क्या है माहौल वहाँ का, पैसा वैसा कितना लगता है। तो चलिए पहुंच तो गए हैं कैंपी डिंगल, यही शॉप है, अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ मिलता है यहाँ पर। और ये है शॉप कुछ इस तरह की। अभी मैं एक्चुअली क्या है, मैं रो वीडियो ही बना रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे को जो चाहिए, मेरे को पता नहीं है कि मैं भी फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने जा रहा हूँ। आपका नाम बता दीजिए। डिम्पल कालरा रांगड़ा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी ना, तो मैं वीडियो से आइडिया नहीं लगा पाया कि जगह कहाँ पर है जी। तो अब मैं जब आया तब पता लगा कि जीरकपुर से और पटियाला की तरफ मतलब थोड़ा सा चलना है, पटियाला रोड पे लगभग शायद 1 किलोमीटर है ना, मैक्सिमम 1 किलोमीटर के बाद राइट साइड में अंदर की तरफ फिर 100 मीटर आना है, 100 या 150 मीटर। लद्दाख का टूर करने जा रहे हैं, और जिसमें से मेरा मूड है कि मैं 2-1 दिन है ना कैंपिंग करूँगा, फैमिली मेरे साथ रहेगी, तो आप थोड़ा सा सजेस्ट करें कि क्या चीज़ ले जानी चाहिए क्या नहीं, और आपके पास क्या क्या मिल जाता है। सर जैसे आउटडोर के सारे गेयर मिल जाते हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गए, मैट्रेस हो गए, और कैंपिंग स्टोव हो गए, कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। हाँ ये जैसे ये रखे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। हाँ ये तो मतलब हमारा मैक्सिमम आइटम मिल जाते हैं, बड़े बेसिक नीड होती है सब मिल जाते, जैसे ये भी रखे हैं यहाँ, उसके ब्रांड के भी आते हैं अच्छे वाले। अच्छा अच्छा हाँ ये सारा कुछ है ना, मैं वीडियो देख के आया हूँ। वैसे मेरा प्लान क्या है मैं बताऊँ, नॉर्मली जो नॉर्मल इंसान सोचता, देखो वीडियो के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे, मैंने क्या सोचा है, मैं मैगी बना के खाऊंगा, मैं कैंपिंग करूँगा, मैं चाय पीऊँगा, मैं कॉफ़ी पीऊँगा वादियों में बैठ के, तो इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत होगी नहीं। आप सब तो कुछ भी बना सकते हो, आपके पास हमारे पास यूटेंसिल्स भी आते हैं। हाँ मेरे को यूटेंसिल्स भी चाहिए बिल्कुल। हाँ ये दोस्तों मेरे को जो चाहिए मैं उस हिसाब से भैया से पूछ रहा हूँ, तो वैसे आप इनसे कॉन्टेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। लाइट वेटेड सामान है। हाँ ये ठीक है ना, ये इसका हैंडल हो गया है ना, वो बहुत ही लाइट वेट है, ये इसमें 2 से 3 लोगों का खाना आराम से बन सकता है। बहुत बढ़िया। और ये सारी चीज़ें भाई जब खरीद भी सकते हैं और रेंट पर भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। लास्ट में आपको वो भी बता दूंगा मैं फ्रेंड्स की क्या प्राइस रहता है खरीदने का और रेंट का क्या है, वो भी भैया से हम पूछ लेंगे। पैसे पहली वाली वीडियो में ना भैया ने बताया नहीं है, पता नहीं किसी ने पूछा नहीं है शायद आपसे। सर रेंट का सब कि वो फिक्स नहीं रहते थोड़ा। अच्छा हाँ वो सीजन के हिसाब से होता होगा। ओके अच्छा अच्छा सीजन के हिसाब से होता हो, ज्यादा डिमांड होगी तो थोड़ा सा रेट हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि कुछ भी मतलब नई आइटम होती है थोड़ा चेंज भी होते रहते हैं रेट में। अच्छा अच्छा वीडियो जो होती है आपकी। हाँ वो पुरानी चली जाती है ना। हाँ रेट का थोड़ा तो बेहतर यही होगा अभी आपसे कॉल करके रेट ले लिया जाए। प्राइस तो बता सकते हैं आप। हाँ, अभी तो आज का तो बता सकते हैं, मई में शूट कर रहे हैं हम, है ना, मई 2023 में कर रहे हैं भाई, ठीक है। बाकी आप भैया से कांटेक्ट कर लें, नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ तो सर जैसे ये टेंट लगा हुआ है यहाँ पर है ना, थ्री पर्सन का ये 4 सीजन, पानी अंदर नहीं जाएगा इसमें, कितनी भी तेज बारिश हो जाए। ये एल्युमिनियम रोड है इसमें, पोर्च भी मिल जाएगा अपने को, मतलब बाहर बरंडे में सामान रख सकते हैं। अच्छा सर इसका प्राइस की बात करें, खरीदना है तो कितने, 6300 में। जैसे केटली कितने रुपए की होगी? अच्छा ये 600 की है। इन्हों इसमें मैगी बन जाएगी क्या, है ना इसमें? अच्छा इसमें एक छोटा और है, दूध और चाय। अच्छा ये सर ये कटोरिया जो रखी है ऐसे मैगी मूगी खाने के लिए। अच्छा वैसे डालने के सर्व करने के लिए स्पेशली के। ये किस चीज़ के लिए, ये वाला जो ओके अरे ये बढ़िया है। हाँ लेडीज को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता ना तो ये अच्छे से समझ रही है विजय। तो अभी और भी कुछ चीज़ें जैसे स्टोव चाहिए हमें, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? कार कैंपिंग कर ले तो उसके लिए वाला है। कार कैंपिंग करेंगे बिल्कुल, स्कॉर्पियो में जाएंगे अपने।
ओके, इसके अंदर कैन लगा हुआ है। अच्छा, ये कैन है, ब्यूटेन कैन होता है। और कितनी देर चलता है ये? 2 घंटे। एक कैन 2 घंटे चलेगा? बस मतलब एक मेरे, मैं 2 कैन ले जाऊंगा तो हो जाएगा सफिशिएंट ना? आप नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल एलपीजी भी हो जाएगा, ये तो बहुत बढ़िया है। और इसका अगर प्राइस खरीदने की बात करें तो इसका हम 2450 रुपये एमआरपी है। बाकी अगर पूरा सेटअप इसके 4 कैन के साथ लेते हो तो 3,050 रुपये। ओके, 3,000 रुपये मान लो। ठीक, एक ये भी है, वैरायटी काफ़ी रखी है आपके पास। अच्छा, हंस ब्रांड का है ये? ठीक है, हाँ, ऑनलाइन बहुत बोलबाला है इनका। ठीक बात कर रहे हो आप। एमआरपी इसका 37 के आसपास है। बाकी ये स्टेनलेस स्टील की वजह से महंगा है, 2600 रुपये का। ये क्या 2600 का दे देते हो आप? बहुत बढ़िया। कैन अगर मिक्स आपको देते तो। अच्छा, कैन में डिस्काउंट भी कर देते हो ये? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो देखी है यूट्यूब पर बहुत सारी, तो ये कैन जम तो नहीं जाता है? नहीं सर, ये -3-4। अच्छा, -3-4 तक चलेगा ये, लेकिन कई जगह तो -10 भी आ सकता है, जैसे पेंगोंग लेक जाएंगे उसके लिए सर ये वाले। अच्छा, उसके लिए ये कॉलमैन के कहना पे -27 तक बात करेंगे। ओके, तो हमें कौन सा सजेस्ट करेंगे मई महीने में अगर जा रहे हैं तो? आपने तो नॉर्मल अगर कार कैंपिंग करनी है तो ये सिंपल ये चल जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, वही लेंगे हम। ओके, बॉक्स नहीं आएगा ना? हाँ, ये इसका बॉक्स है नीचे जो रखा है। अच्छा, ये वाला बॉक्स होता है इसका। ओके, बहुत बढ़िया। वाटर बॉटल होगी? हाँ, ये बोतल हो गया 8 लीटर। अच्छा, 8 लीटर की है। अच्छा, ये वाली इसके अंदर है ना? ये दिखा रहे, ये भी हमें एक चाहिए। ये फोल्डिंग बोतल्स आते हैं। अच्छा, फोल्डिंग ये रखी शायद यही होगी ना? ये थोड़ा खोलना भैया, ये दिखाना। अच्छा, बोतल अलग अलग है। ओके, 500 ml का है ये। अच्छा, ये भी बोतल है। इसके अंदर भी स्टोव है इतनी छोटी सी डब्बी में? अरे वाह, ये तो उससे बड़ा है ना, उसने इतने छोटे में देखो ना स्टोव आ जाता है इस तरह से। अरे, तो जेब में डाल के ले जाओ, पता भी नहीं लगेगा। एक्सट्रीम यूज के लिए होता है इस तरह से फोटोज को। ठीक ठीक, ओके। और अच्छा, इसके ऊपर लगेगा ये देखो, वो नहीं है ना इसके? हाँ जी, डायरेक्ट इसके ऊपर लग जाएगा। ये तो मतलब चूल्हा था, इसको रोटेट, सिलेंडर अलग से लगेगा इसमें। ये एक्सट्रीम यूज, पतीला भी तो नहीं चढ़ा सकते इसमें, नॉर्मल आप छोटी छोटा छोटा बर्तन चढ़ेगा ना। अच्छा, ये लाइटरिंग के साथ ही होता है? अरे वाह, थोड़ा खतरनाक। इसको ट्रैकिंग करनी होती है ना? रेट बता देंगे, रेंज किस से किस शुरू होती होगी? रेट 2100 से स्टार्ट है बैच। 2100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं? कितने तक जाता है ये? 1500 से स्टार्ट है, पर 9500 तक। ओके, ये भी चाहिए सर एक मेरे को, जरूरी। बाकी यहाँ पे टेंट है हमारे पास। ओके, टेंट है कोलमैन ब्रांड के, टेंट है 2 पर्सन 6 पर्सन। कोलमैन का भी बड़ा नाम सुना है सर, सही बता रहे हो। ऐसे की ब्रांड है, 3 पर्सन मिल जाता है हमारे पास। तो आपने सारे कैंपिंग का सामान देख लिया ना, भैया ने बताया। अब ये देखो, नक्शू बैठा है बरांडा चेयर पे, ऐसे लेट रहा था, मजे ले रहा है कैंपिंग के, मजे यहीं ले रहा है। आज ही गाड़ी में लेके जाना है? हाँ। अच्छा ठीक है, ओके, चेयर भी मिल जाएगी। सिनो एक बार शूट करना, देखा मैं बैठ के देखो, मेरा वजन सहन कर लेगी ना? 120 kg तक, 90 kg कर। ये भी 120 kg तक, 140 kg तक। इसको टेंट के अंदर लगा सकते हैं ना? कॉलमैन ब्रांड का है, कहती है कि 25 ईयर तक चलेगा। 25 साल तक? अरे वाह, 25 साल तक चलेगा ये? और चूहे ने काट दिया तो? अरे नहीं, मटेरियल चूहे काटने वाला नहीं है, मटेरियल चूहे दोस्त है। देखिए पास में से देखा, जो लोग है ना जमीन पे नहीं सोना चाहते, जो डरते हैं थोड़ा बहुत भाई सांप वांप आ जाएगा, तो वो अपने टेंट के अंदर इसको लगा सकते हैं ना। अभी मैं क्या चीज़ फाइनल कर रहा हूँ भैया के साथ, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ बच जाता तो वो भी दिखाएंगे। वैसे ये जैसे चेयर है, मेरे को ये बताइए, क्योंकि मैं डेकाथलन गया था, मेरे को वहाँ का रेट का आइडिया है। आप कितने रुपये की देते हैं? 1600 रुपये की दे रहे हो? और वो वाली बरंडा वाली? अच्छा, मेरी नज़र पड़ी भैया के पास, ये थोड़ा अलग टाइप का स्टोव नज़र आया, ये कैसे है भैया? ये हंस ब्रांड का है। हंस ब्रांड का ये? ओके, इसमें ये सेफ्टी हो जाती है कि जो सिलेंडर है वो अलग से लगता है और कवर रहता होगा ना? अच्छा, ये इधर लगा हुआ है। छोटे बच्चे रहेंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए, बहुत लाइट वेट होता भैया ये, है ना? ये कितने रुपए का है? ये 350। 10 दिन की ट्रिप के लिए कितने चाहिए?
तो ये भैया इसमें 150 पंप बता रहे हैं, दो लेके जाने पड़ेंगे। सारी बात मैंने कर ली है, कुछ चीज़ें हम रेंट पे लेंगे और कुछ चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी। जो कम कैंपिंग करते हैं मेरी तरह कभी कभार, मतलब साल दो साल में, तो रेंट पे ले जाना एक अच्छा ऑप्शन है और भैया ने वो ऑप्शन हमें दे दिया है। इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो हम सिर्फ सोचते थे कि कहाँ मिलेंगी, तो यहाँ पर मिल रही है सारी चीज़ें। ये मल्टी टूल्स भी हैं, देखो ये बड़े कैन है जो ऊपर रखे हैं, 5-6 घंटे चल जाते हैं। छोटे वाले तो आपने देख ही रखे हैं, इस टाइप से लग जाते हैं, दूर लगाना हो ना थोड़ा सा सेफ्टी के पर्पज से, ये थोड़ा पास में रहता है तो थोड़ा सा लोग डर जाते हैं। ये अटल टनल में है ना, LPG सिलेंडर अलाउड नहीं है, तो इनके लिए तो नहीं रोक देगा कोई, इनके लिए कैंपिंग गियर है, मुझे लगता कोई रोकेगा। हाँ फ्लाइट में नहीं ले, फ्लाइट में ले जा सकते, खुद कैंपिंग करनी है अच्छा ट्रेन में ले जा सकते हैं, फिर तो वहाँ भी ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, कंपास भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। और ये देखो, ये किसी को बोन फायर करना हो, कहीं आग लगानी हो लकड़ियों में, तो मतलब आग देनी पड़ेगी उसको ना, और इसमें लाइटर है ना, इस तरह से बहुत बढ़िया। सिंगल भी हो जाता है, डबल भी, कोलमैन ब्रांड का है और ये इस तरह से सिंगल रहता है, तो सिंगल एक ही में काम चल जाएगा। ओके, इसके ऊपर एक और सेम ऐसी परत चढ़ जाएगी और उसके अंदर घुस जाओ फिर, है सेम मतलब पैक हो जाएगा आपका, सेम पैक हो जाएगा, इधर से चैन से वो अटैच हो जाता है, मतलब पैक हो जाएगा। ओके, और आप सर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप रेंट पे ले जाके एक बार अपना एक्सपीरियंस लेके बाद में परचेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो डिंपल भैया से बात हो गई है, हम जिस दिन निकल रहे हैं उससे पहले वाले दिन लेंगे। अच्छा एक चीज़ और खास बात, अगर आप 2 बजे के बाद कोई सामान लेते हैं तो उसका उस दिन का रेंट नहीं लगेगा, और 2 बजे से पहले जमा करवा देंगे तो उस दिन का भी रेंट नहीं लगेगा, तो भैया के स्पेशल ऑफर है। और बाकी आप लोग भी आएंगे तो आप लोगों को स्पेशल ऑफर मिलेगा, यही बात है ना डिंपल भैया। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, और एग्जैक्टली डे मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि एक दिन आगे पीछे हो सकता है अपना। इसे एक दिन पहले जैसे ही मैं यहाँ से कैंपिंग गियर सब उठाने आऊंगा तो वो वीडियो भी बनाऊंगा, और वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे लद्दाख टूर की, लद्दाख ट्रिप की, तो A to Z जानकारी आपको मिलती रहेगी। भाई को कैंपिंग गियर्स की जरूरत है, चंडीगढ़ में जीरकपुर में ये शॉप है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस जो भी है वो डाल दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके कैंपिंग का, बहुत भैया बहुत अच्छे लगे मेरे को, भी है बहुत अच्छा लगा इनका। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अगर इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर आती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।